वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स रिंग। इसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय मींस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। ये हमारा न्यूटन्स रिंग का सेटअप है। इसमें हमें एक तो सोडियम लाइट चाहिए होती है। सोडियम लाइट इसलिए क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। फिर यहाँ पे हमें एक कन्वेक्स लेंस चाहिए होता है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। यहाँ से लाइट सोडियम लाइट रेज जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। फिर ये 45 डिग्री के एंगल पे ग्लास प्लेट है। यहाँ से लाइट 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आती है। नीचे एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और उसके नीचे एक प्लेन ग्लास प्लेट है। यहाँ पे ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इसके नीचे प्लेन ग्लास प्लेट है। अब यहाँ पे लाइट रेज जो होती है, कुछ लाइट रेज तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं और कुछ लाइट रेज वहां से भी ट्रांसफर हो जाती है और प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे इंटरफेरेंस होता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ब्राइट और डार्क रिंग्स नजर आते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप है, यहां से हम रिंग्स देख पाते हैं। रिंग्स लेने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है। एक तो मेन स्केल, ये मेन स्केल है हमारा। मेन स्केल पे जो डिविजन्स बने हुए हैं इस तरह से हैं। ये मिलीमीटर में स्केल है हमारा, 0 से 10 मिलीमीटर, 20, 30, 40 से 100 तक। मेन स्केल की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो गई वो 1 मिलीमीटर हो गई। स्मॉलेस्ट डिविजन की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर। और ये हमारा सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर स्केल है। इसमें टोटल 100 डिविजन्स हैं। आप देख सकते हैं 80, 90 और 90 के बाद ये वापस 0 आ गया, यानी कि 100 हो गया। 100 का सर्कुलेशन पूरा होने पे यहाँ पे ये 1 डिवीजन मूव कर जाता है। तो इसकी लीस्ट काउंट हमारी कितनी हो जाएगी, 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर, इट मीन 0.001 सेंटीमीटर। न्यूटन्स रिंग फाइंड करने के लिए, वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमें न्यूटन्स रिंग का डायमीटर चाहिए होगा। कम से कम हम 10 रीडिंग्स इसमें लेते हैं। हम 20 रिंग से स्टार्ट करके 20, 18, 16, 14 इस तरह से हम रिंग्स नोट करेंगे। जो रिंग्स होते हैं वो इस तरह से नजर आते हैं। इस तरह से हमें सर्कुलर रिंग्स नजर आते हैं। हमें वर्टिकल क्रॉस वायर को पहले लेफ्ट साइड में इस तरह से रखना होता है 20th रिंग पे, और उसकी रीडिंग हम यहाँ पे नोट करते हैं इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से। हम जैसे जैसे सर्कुलर स्केल मूव कराएंगे, आप देख सकते हैं कि ये स्केल जो है मेन स्केल भी मूव कर रहा है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे सपोज करो ये वाली रीडिंग नोट करना चाहें, तो ये रीडिंग हमारी हो जाएगी मेन स्केल पे। इस टाइम ये शो कर रहा है 45, 46, 47, 48, और सर्कुलर स्केल पे इसकी रीडिंग शो हो रही है 33। तो ये हमारे टोटल रीडिंग हो जाएगी। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी हो जाएगी 40, 48, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 33। इस तरह से हमें 20th रिंग, 18th रिंग, 16th रिंग से लेकर 2nd रिंग तक रीडिंग नोट करनी होगी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये जो है ये रिंग्स की लेफ्ट साइड है, ये रिंग्स की राइट साइड है। ये हमारा सेंट्रल डार्क स्पॉट है। हमें रीडिंग्स लेते हुए थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा कि इसको सर्कुलर स्केल को सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करें, यानी ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इससे हम बैकलैश एरर को रिमूव कर सकते हैं। बैकलैश एरर क्या होता है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन फर्स्ट रिमूव करा रहे हैं और देन हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कराएंगे तो मेन स्केल की रीडिंग तुरंत मूव नहीं करती, तो इस कारण थोड़ा सा एरर आ जाता है, जिसे हम बैकलैश एरर कहते हैं। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम रीडिंग्स एक ही डायरेक्शन में लेते चले जाते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट के 20th रिंग से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट के 2nd तक आ जाएंगे, फिर राइट के 2nd रिंग से स्टार्ट करेंगे और राइट के 20th रिंग तक पहुंचेंगे। तो इससे हमारा जो स्केल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और बैकलैश एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम इसकी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। अब जो रीडिंग्स आई है वो हम नोट कर लेते हैं। जैसे 20th रिंग में लेफ्ट साइड में हमारी रीडिंग आई है,
मेन स्केल की 48 और सर्कुलर स्केल की 15। इसके लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, तो ये टोटल रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, यानी कि 48.15। सिमिलरली हम बाकी सारी रीडिंग्स भी नोट कर लेंगे। सिमिलरली हम राइट साइड की रीडिंग्स भी नोट कर लेंगे। मेन स्केल रीडिंग राइट साइड में है 20th रिंग के लिए 42, सर्कुलर स्केल के लिए 32। और इसके ऑब्वियसली सर्कुलर स्केल की जो लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, तो ये हमारी रीडिंग हो जाएगी 42.32। ये सारी रीडिंग्स हम मिलीमीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर में। न्यूटन्स रिंग जो है वो सर आइज़ैक न्यूटन द्वारा डिस्कवर किए गए थे, इसलिए इनको न्यूटन्स रिंग्स कहा जाता है। सिमिलरली हम बाकी जो रिमेनिंग रीडिंग्स हैं उनको भी नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम इनका डायमीटर काउंट कर लेंगे कि 20th रिंग का डायमीटर कितना होगा। वो होगा लेफ्ट साइड की 20th रिंग की रीडिंग मेन टोटल रीडिंग जो है उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे राइट साइड की टोटल रीडिंग को, यानी 48.15 माइनस 42.32 जो वैल्यू आएगी वो 20th रिंग का डायमीटर होगा। इस वैल्यू को हम यहाँ नोट कर लेंगे। सिमिलरली फिर 18th रिंग, 16th रिंग, 14th रिंग, 12th रिंग, इस तरह से सेकेंड रिंग तक इन सब का हम डायमीटर नोट कर लेंगे। ऑब्वियसली डायमीटर जो है 20th रिंग का सबसे ज़्यादा आएगा और सेकेंड रिंग का सबसे कम आएगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए रीडिंग्स, तो हम डायमीटर नोट डाउन कर लेते हैं। डायमीटर नोट करने के बाद हमें डायमीटर का स्क्वायर फाइंड करना होगा कि सभी रिंग्स का जो डायमीटर आया उसका स्क्वायर कितना होगा, तो हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। अब डायमीटर के स्क्वायर नोट डाउन करने के बाद हमें ये डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। P की वैल्यू हमने यहाँ पे जैसे 8 चूज कर रखी है, तो हम क्या करेंगे 20th रिंग के डायमीटर के स्क्वायर में से हम 12th रिंग के डायमीटर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18th रिंग के डायमीटर के स्क्वायर से हम 10th रिंग के डायमीटर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16th रिंग में से 8 का, 14th रिंग के डायमीटर के स्क्वायर में से 6th रिंग के डायमीटर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12th रिंग के डायमीटर के स्क्वायर में से 4th रिंग का डायमीटर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10th रिंग के डायमीटर के स्क्वायर में से सेकेंड रिंग के डायमीटर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर, मैंने डी एन स्क्वायर फाइंड आउट हमने कर लिया है। यहाँ पे ये 65 वैल्यूज आई है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 वैल्यूज है ये तो लगभग आस पास है, लेकिन ये जो लास्ट की 2 वैल्यूज है ये बहुत डिफर कर रही हैं। तो ये लास्ट की 2 वैल्यूज जो है हो सकता है कि हमारी रॉन्ग रीडिंग्स आ गए, बैकलैश एरर है किसी और वजह से, ये रॉन्ग रीडिंग्स आ गई उस वजह से ये एरर दे सकती है। तो करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए हमें वही रीडिंग्स काउंट करनी होती है जो लगभग आसपास हो, क्योंकि हमें इसमें इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना होगा तो हम इसके लिए सिर्फ ये 1, 2, 3 और ये 4 वैल्यूज काउंट कर लेते हैं, लास्ट की 2 वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ में भी ये स्ट्रेट लाइन जो बनती है उसमें ये 2 पॉइंट्स जो है वो उस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, तो इसलिए हम सिर्फ इन 4 वैल्यूज का मीन निकालेंगे, जो कि वैल्यू आएगी हमारी ऑलमोस्ट लगभग 16.775। ये हमारे डी एन प्लस पी के होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर की वैल्यू है। अब आगे का पार्ट हम कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 पी आर। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आया है स्पेशली न्यूटन रिंग्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी एन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर का हमारा मीन कितना आता है 16.775। ये सारी रीडिंग्स अभी हमारी मिलीमीटर में है, 16.775 अपॉन 4। पी की वैल्यू हमने 8 पुट करी थी और आर की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस हमारा कितना है 100 सेंटीमीटर यानी 1000 मिलीमीटर। तो इस वैल्यू को जो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितनी आती है वैल्यू 16.775 डिवाइडेड बाई
8 4 32, ये वैल्यू हमारी आएगी 0.5242 ऑलमोस्ट इंटू 10^-3 मिलीमीटर, जो कि हमारी सॉल्व करने पर हो जाएगी ऑलमोस्ट, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे 4 2 4 5 2 4 2 × 10^-4 × 10^-3 मिलीमीटर, यानी कि 5 2 4 2 × 10^-7 मिलीमीटर। और हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 5 8 9 3 × 10^-7 मिलीमीटर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 2 4 2 एंगस्ट्रॉम। पर्सनल एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस आना चाहिए और उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करना होगा, यानी कि 5 8 9 3 − 5 2 4 2 डिवाइडेड बाई 5 8 9 3। हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 8 9 3 − 5 2 4 2 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 5 8 9 3। तो ये हमारा परसेंटेज एरर जो आ जाएगा ऑलमोस्ट 11% आएगा। जो कि बहुत कम है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा है, हमारी जो वैल्यू आई है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आई है। तो वेवलेंथ जो होती है वो सोडियम लाइट की 5 8 9 3 एंगस्ट्रॉम होती है और हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है वो 5 2 4 2 एंगस्ट्रॉम आई है। थैंक यू।